नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में। कैंडिड डस्टिंग पाउडर को इंडिया में लेनमार्क द्वारा बनाया जाता है। ये दो पैकिंग में आता है, 60 ग्राम और 120 ग्राम। 60 ग्राम का ये पैक है और इसका प्राइस है 90 रुपए, और ये 120 ग्राम का पैक है जिसका प्राइस है 140 रुपए। मैं आपको बताऊंगा कैंडिड डस्टिंग पाउडर को किस तरह से यूज करना है, कहां पर इसको यूज किया जाता है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है कैंडिड डस्टिंग पाउडर के यूज के दौरान, और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर के यूज के दौरान। जैसे आपको बताया, कैंडिड डस्टिंग पाउडर एक डस्टिंग पाउडर है जो बहुत ही अच्छा एंटी फंगल पाउडर है। ये ना सिर्फ फंगल को फैलने से रोकता है बल्कि फंगल इन्फेक्शन से बचाव में भी काफी मदद करता है, और साथ में कुछ यीस्ट इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, खाज, खुजली, शरीर में रेडनेस हो जाना, खुजली हो जाना, हाथ पांव में खुजली हो जाना, या आपके हाथ और पैरों की स्किन जो होती है बीच में उंगलियों की स्किन में इन्फेक्शन हो जाना, या आपको दाद हो जाना, दाद का मतलब होता है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, जहां पर आपको एक रिंग जैसा बन जाता है और उसमें बहुत खुजली होती है, इरिटेशन होती है। और स्पेशली कैंडिड डस्टिंग पाउडर को गर्मियों में पसीने की अधिकता के कारण होने वाले इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसी गर्मी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको बहुत ज्यादा पसीना आता है और ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, मॉइस्चर काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा फंगस की ग्रोथ होने की वजह से हमको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारी स्किन लाल हो जाती है, उसमें इरिटेशन होती है, खुजली होती है। उससे बचाव के लिए कैंडिड डस्टिंग पाउडर इंडिया में यूज होने वाला नंबर वन पाउडर है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको कैंडिड डस्टिंग पाउडर को यूज करना चाहिए। उसने बताया ये डस्टिंग पाउडर है, इसको अपने फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर आपको छिड़कना होता है, स्प्रिंकल करना होता है। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए। सुबह आप स्नान करके कैंडिड डस्टिंग पाउडर को लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको रात को सोते समय भी अगर हो सके तो स्नान करके कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो कैंडिड डस्टिंग पाउडर एक काफी सेफ प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें क्लोट्रिमाजोल होता है और जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में जब वो यूज करते हैं तो उनको स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उनको इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज कैंडिड डस्टिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा, सुरक्षित और इफेक्टिव डस्टिंग पाउडर है जो आपको फंगल इन्फेक्शन से आराम दिलाने में बहुत ही मदद करता है। अगर आपकी जो इन्फेक्शन है वो हाथ या पैरों की उंगलियों के बीच में है तो आपको क्या करना है कि आपको पहले साफ पानी से उस इन्फेक्शन वाली जगह को अच्छे से साफ कर लेना है, उसको एक सॉफ्ट कपड़े से आपको सुखाना है, और उसके बाद ही आपको कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छे से मिलेंगे और आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, और अगर आप बताए हुए तरीके से कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग करेंगे तो आपको सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन में, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में, एथलीट फुट मतलब जहां पर आपके हाथ या पैरों की उंगली के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, प्रिकली हीट में, घमौरियों में, स्पेशली घमौरियों में कैंडिड पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। अभी गर्मियां आ रही हैं तो उसमें कैंडिड पाउडर बहुत इफेक्टिवली आपकी घमौरियों को ठीक करने में मदद करेगा। घमौरियों को प्रिकली हीट भी बोलते हैं, जिसमें हमारी स्किन पे, स्पेशली कमर पे, गर्दन पे या मुंह पर दाने पड़ जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है और काफी इरिटेशन होता है, रैश पड़ जाते हैं, उसमें कैंडिड पाउडर आपको बहुत ही इफेक्टिवली रिलीफ दिलाने में मदद करेगा और आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।